नमस्कार, गुड मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा, और एक खास कार्यक्रम जिसका नाम है एक मुलाकात, उसमें मैं आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज खास मुलाकात हम एक ऐसे शख्स से आपकी करवाने वाले हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत से विभागों के साथ काम किया। रिटायर्ड IAS अधिकारी वो रही, उनका नाम डॉक्टर पूर्णिमा चौहान है, और वो अभी हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद कि आपने बुलाया जी। डॉक्टर पूर्णिमा चौहान एक ऐसा नाम जिन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत से विभागों के साथ कार्य किया, बहुत से लोगों के साथ डील करी, लेकिन उसके बाद एक अद्भुत अनोखा संदेश इनके द्वारा यहाँ पर दिया जा रहा है जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। एक NGO है जिनका नाम विस्परिंग ब्रिजेस, ये NGO है, और उसमें हिमाचल प्रदेश के मैम एडवाइजर भी हैं। तमाम जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले मैम आपसे जानना चाहेंगे, ये सफर, एक तो IAS रिटायर्ड अधिकारी आप रहे, और उसके बाद यहाँ तक पहुँचना, उसके बाद इतने सारे विभागों के साथ काम करना, लेकिन फिर भी पर्यावरण के प्रति एक अलग से जुड़ाव होना, सफर कैसा है मैम? थैंक यू आरती, ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसको सुन के मेरी यादें ताज़ा हो रही हैं कि इस मुकाम तक कैसे पहुँची। सबसे पहली बात तो ये है कि फौज में रहने से कई स्कूल बदले, कई जगह देखी, तो भारत अपना ही लगता है, और भारत क्यों, पूरी धरती अपनी लगती है, और कहीं ना कहीं एक जिम्मेवारी का एहसास होता है कि जहाँ भी हम जाते थे वहाँ हमें जड़ें बहुत जल्दी उगानी पड़ती थी, और फिर उखड़ती भी उतनी जल्दी थी, पर दिल का थोड़ा सा हिस्सा वहीं रह जाता था। 11 स्कूल बदले हैं तो आप सोच सकते हैं, आखिरी स्कूल था लोरेटो कॉन्वेंट तारा हॉल शिमला। पर ये सफ़र करते करते ये भी एहसास हुआ कि हमारा देश प्रदेश दोनों ही कितने सुंदर हैं, और 36 साल की नौकरी के दौरान हिमाचल प्रदेश देखने का मौका मिला, और मेरे हस्बैंड और मैं कई बार ये बोलते हैं, अव्वल तो भगवान अगर हिंदुस्तान में पैदा करता ही है तो सिर्फ हिमाचल में करे। एंड आई थिंक वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी आर हियर इन दिस ब्यूटिफुल स्टेट। बट करते करते ये एहसास हुआ कि जैसे मैंने टूरिज्म में PhD की अपनी री इन्वेंटिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन, उसमें कोई 33 इंटरनेशनल केस स्टडीज हैं, और सब में यही था कि पर्यावरण का नुकसान तो होता ही है, और हिमाचल में आप जानते हैं कि हमारी पॉपुलेशन 70 लाख से कम है, पर टूरिस्ट पॉपुलेशन 2 करोड़ से ऊपर है, यानी 1:3 के रेशो में। तो क्या हम ये कहें कि यहाँ कंजेशन है शिमला में, मनाली में, धर्मशाला में, तो लोग ना आए? पर्यावरण का नुकसान हो रहा है तो क्या लोग ना आए? मेरे ख्याल में जो टूरिस्ट लॉबी है बिल्कुल एग्री नहीं करेगी, मैं भी नहीं एग्री करती हूँ। सो उसमें स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, वो मेरे थीसिस में है। सबसे मेन स्ट्रैटेजी ये रही कि डिस्पर्सल ऑफ टूरिज्म। अब आप किसी को ये सिर्फ बोल दें ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह कि यहाँ मत आइए, वहाँ जाइए, क्योंकि यहाँ बहुत ट्रैफिक है या यहाँ पर पर्यावरण का नुकसान होता है, तो कोई भी नहीं सुनेगा। सो आपको बिहेवियर चेंज करने के लिए क्या ट्रिगर रखना, क्या इंसेंटिव रखना है, ये सोच ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 96 आई हैंडल टूरिज्म डिपार्टमेंट, आफ्टर दैट आई डिड माय PhD एंड आई हैव रिप्रेजेंटेड एंड स्पोकन ऑन मेनी फोरम्स। इनफैक्ट क्लाइमेट चेंज पे मैंने कीनोट एड्रेस दिया था बीजिंग में 2010 में इन चाइना। पर क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट में मेरा इंटरेस्ट तब बढ़ा जब मैंने 2000 में एक फिल्म थी एन इनकन्वीनियंट ट्रूथ, जो वाइस प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका एल गोर उन्होंने बनाई थी। सो दिमाग में ये दुविधा रही कि एक वाइस प्रेसिडेंट लेवल का इंसान इतना समय निकाल सकता है कि ही कैन टेल अस कि क्यों पर्यावरण का संरक्षण करना अब इंसान के रिक्वायरमेंट है। हमने ऐसा क्या किया? सबसे पहला सवाल शायद कोई यही पूछेगा कि पर्यावरण का नुकसान तो प्रकृति खुद ही बहुत कर लेती है, एक सुनामी आ जाए तो कितना नुकसान होता है। पर आज की डेट में 2 सबूत हैं कि इंसान रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले इसी सवाल का जवाब देने के लिए 2500 साइंटिस्ट वो बैठे, और उन्होंने एक ही उदाहरण दूंगी, ये तय किया कि सदियों से जो चला आ रहा है, जो खास करके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद पिछले 150 साल से
वो नुकसान जो धरती को हो रहा है वो इतनी तेज हो रहा है कि आज की रेट में हम वी आर एट अबाउट 400 ppm, और अगर हम 550 ppm पहुंच गए एंड विच कैन टेक जस्ट अबाउट 100 years, जिस स्पीड पे हम जा रहे हैं, सो प्रलय को कोई नहीं रोक सकता, शायद भगवान भी नहीं रोक सकते। आज की डेट में हालत ये है, वो आपने सुना होगा, द लास्ट स्ट्रॉ टू ब्रेक द कैमल्स बैक। इंसान की जो एक्टिविटीज हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, फॉसिल फ्यूल एमिशन, लाइफ स्टाइल्स, कंज्यूमरिज्म इतना ज्यादा है, उससे क्या हो रहा है कि ऊंट बैठने के लिए केवल एक तिनके की जरूरत है, और वो तिनका जो है इंसान दे रहा है। और ये एहसास दिलाना सबको जरूरी इसलिए है कि एक एक करके वो तिनका हम सबने डाला है, और उस लास्ट तिनके को रोकने के लिए सबके सहयोग और अवेयरनेस की जरूरत है। तो इसीलिए उस फिल्म को देखने के बाद एक और फिल्म देखी, विच वॉज द डे आफ्टर टुमारो, एंड उसमें जो 100 साल में होना था अमेरिका में, वो एक हफ्ते में जो प्रलय आने लगती है, सो वो फिल्म देख के, और शुरू के सीन्स हैं कि दिल्ली में बर्फ पड़ रही है, उस फिल्म का 10 साल पहले देखी थी, आज अगर देखेंगे तो वही फीलिंग होगी। जब कोविड आया था तो मेरे ख्याल में आपको पता होगा कि 2011 की एक फिल्म, कई लोगों ने बताई और देखी भी, उसमें बिल्कुल हूबहू कोविड वाली जैसे प्रेडिक्शन की हुई है, उसी तरह इस फिल्म में वो प्रेडिक्शन की जो आज, क्योंकि अभी जो हमने समर देखी है, विंटर देखी है, इतनी सिवियर समर, इतनी सिवियर विंटर, ये फ्रीक इवेंट्स कहे गए थे, अब हो रहे हैं। सो ये हमारे सामने इस राइटिंग ऑन द वॉल, पर क्या हम पढ़ रहे हैं, दैट इज द क्वेश्चन। शिमला हैज सीन, हिमाचल हैज सीन सब थर्ड हॉटेस्ट मार्च इन 151 years, हु इज डूइंग इट नाउ। द क्वेश्चन इज नॉट कि भाई इसके ऊपर ब्लेम डालो, उसके ऊपर डालो और सरकार का इंतजार करो, नहीं, इसमें सबका सहयोग जरूरी है, क्योंकि आज अगर एक्शन लिया तो शायद हम सिर्फ अरेस्ट कर सकते हैं, अडेप्ट करना बहुत जरूरी है, रिक्लेम शायद धरती को हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। और उसमें यू नो व्हेन महात्मा गांधी सेड बी द चेंज दैट यू वांट टू सी, तो जिम्मेवारी अपने ऊपर आती है कि अगर आप कुछ बोल रहे हैं करके भी दिखाइए, इसीलिए हमने अभियान किया था। और दूसरा जो गांधी जी ने कहा था, द अर्थ हैज इनफ फॉर एवरी मैनस नीड बट नॉट फॉर हिज ग्रीड। उस ग्रीड को यानी कंज्यूमरिज्म को अनजाने में जो लोग कर रहे हैं, उसका अंजाम क्या है, उसकी कनेक्टिंग द डॉट्स, उसकी लाइफ साइकिल कॉस्ट जो हम सब इकट्ठे मिलकर देंगे, अच्छे बुरे गरीब अमीर सब देंगे, क्या कैन वी अवॉइड इट, कैन वी पोस्टपोन इट। और ग्रेटा थनबर्ग ने एक सवाल किया था यूएन में, हाउ डे यू, यानी कि तुम लोग हमारे भविष्य हमसे क्यों छीन रहे हो। सो उसका जवाब है हमारे पास, अगर आज की डेट में हम कुछ भी नहीं करते हैं अपने आप को चेंज करने के लिए, अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए, सो ये सब सोच के तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि बोलना इतना जरूरी नहीं है जितना करना जरूरी है। लास्ट ईयर भी ये अर्थ डे नेटवर्क, एक्चुअली मेरा इनसे संपर्क तब हुआ जब शिमला में इंटरनेशनल लिट फेस्ट शुरू किया था, तो 2019 में एनवायरनमेंट वाले सेशन में 48 sessions वी हैड इन 2 days, सो उसमें ये अर्थ डे नेटवर्क की जो रीजनल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आई थी, तो उन्होंने जब हमारा काम देखा कि हमने 36 शेड्यूल टेम्पल्स में सेक्रेटरी कल्चर इंस्ट्रक्शन दी थी कि जो फूल वहाँ चढ़ाए जाते हैं बहुत तादाद में होते हैं, उनको कन्वर्ट अगर बत्तियों में किया जाए, देवर अबाउट अ लिस्ट ऑफ सम 28 इंस्ट्रक्शंस, उसमें एक ये भी थी, सो दे गेव मी एन अवार्ड फॉर दैट। अवार्ड से ज्यादा जरूरी था कि ये संस्था करती क्या, सो आई एम श्योर यू वुड लाइक टू नो। हम बिल्कुल चाहेंगे कि आपने, क्योंकि बहुत से कार्यक्रम आपने पर्यावरण दिवस पर सोचे भी होंगे कि हमने करने हैं, लेकिन जब हम आपकी एनजीओ की बात करते हैं तो ये अभी नई उभरती हुई एनजीओ है, अभी रजिस्टर भी होनी है, इट इज नॉट येट रजिस्टर्ड, बट हमने कहा वो होता रहेगा पेपर वर्क, लेकिन काम करना जरूरी, लेकिन एक उद्देश्य के साथ आप जरूर आई होंगी, तो ये क्या उद्देश्य है इस एनजीओ का, हम चाहेंगे। एक गाना है बहुत अच्छा, साथी हाथ बढ़ाना जी, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना जी, और धरती हमारे लिए बोझ नहीं, हम धरती के ऊपर बोझ बन रहे हैं, दैट इज द रियलिटी टूडे, सो हम कैन वी रिवर्स दिस, क्योंकि दिस इज लाइक वो ऑस्ट्रेलिया में एक बूमरैंग होता है ना, छूट गया ना वापस तो आएगा, सो उसका वापस आना थोड़ा थोड़ा रोक सकते हैं हम, सो दैट इज द आइडिया। और पर्यावरण की जब हम बात करें तो ये विशियस एंड वर्चुअस सर्कल इतने वाइड स्प्रेड है कि इसके लिए तो आपको लिटरली, जिसको कहते हैं, इसका बात करने के लिए भी कार्पेट बॉम्बिंग करनी पड़ेगी, कई सेशन होंगे जिसमें इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। मोटे तौर पर यह है कि लगभग 40% ग्रीन हाउस गैसेस, जिससे गर्मी बढ़ रही है, वो हीटिंग एंड लाइटिंग
हीटिंग एंड कूलिंग के लिए जो हम करते हैं बिल्डिंग्स में, कारों में और जगह, उसके कारण है. एंड अ लॉट ऑफ इट इज ड्यू टू ट्रांसपोर्ट. कोई लगभग 14-15% ट्रांसपोर्ट के कारण है, जिसमें रोड ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा है. और आप जानते हैं कि हिमाचल इज डिपेंडेंट ऑन रोड ट्रांसपोर्ट. बट मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट इज एक आयरनी है कि पहाड़ जो है उनको पॉलिसी बनाते वक्त अलग से देखा नहीं जाता है. एक पहाड़ और एक कोस्टल रीजन, ये सबसे वल्नरेबल हैं और ये सबसे बड़े रिसोर्स प्रोवाइडर्स हैं, क्योंकि जो ग्रीन लंग्स हैं हमारे धरती के और जो इस एक्स्ट्रा कार्बन को ऑब्जॉर्व करते हैं वो या तो पानी है, जो कि 75% ऑफ द अर्थ इज ओशन, वो भी थ्रेटन्ड है, गार्बेज से थ्रेटन्ड है. आप हैरान होंगे कि गार्बेज जो है चैलेंजर डीप, पैसिफिक की चैलेंजर डीप जो सबसे डीप एरिया है धरती का, वहां भी गार्बेज मिली है. तो फिश के अंदर जा रही है और एनिमल्स के अंदर जा रही है. और शायद कुछ लोगों को मालूम होगा कि प्लैंकटन जो सबसे छोटा एनिमल है जिससे कोरल रीफ्स बनती हैं, उसके कारण हम सर्वाइव कर रहे हैं. अब मैं इतना ही बोलने में मतलब समय नहीं है, इसका लिंकेज समझना बहुत जरूरी है. सो हमारा अगला प्रयास जो होगा वो यही रहेगा कि लिंकेज समझाई जाए, ताकि आपको एक गिल्ट महसूस हो. सो ये गिल्ट हमने 5 जून को तो अपने नादेरा हाइट्स में महसूस करवाई कि जो यहाँ इस जगह में इतनी जो भी सुंदर जगह है वो लोग जाना चाहते हैं, टूरिज्म तो आएगा, उसको हम मना नहीं कर सकते हैं. रोकथाम या डूज एंड डोंट्स बहुत बारी कोशिश कर ली है, पर वहां देखने वाला कोई नहीं है, कैमरा कोई नहीं है, पर वहां के लोग जो है बागी जो बढ़ के, दे आर वेरी एंग्री, दे आर वेरी अनॉयड. डॉक्टर पूर्णिमा जी, अभी आपने बातचीत में ही कहा कि अगर अगला जन्म भी हमें मिले तो हिमाचल प्रदेश की जो ये धरती है और जो कि स्वर्ग से बढ़कर है, यहीं पर ही हमें मिले. और इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो विश्व भर में प्रसिद्ध ही इसीलिए है, अपनी खूबसूरती के लिए. लेकिन इस खूबसूरती को बरकरार रखने में हम आप सभी की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है. डॉक्टर पूर्णिमा जी, आपको लगता है या आपका मानना है कि गंदगी भी हम लोग ही फैलाते हैं? ऑफ कोर्स. और तादाद बढ़ क्यों रही है, उसका कारण ये भी है. जब तक लोग सिर्फ शिमला, डलाउजी और मनाली, धर्मशाला आते थे तो शायद गंदगी वहीं छोड़कर चले जाते थे, आदत से मजबूर. बट अब क्या हुआ, कोविड के बाद लोगों ने वो जगह ढूंढनी शुरू की जहाँ कम घर हो, कम लोग हो, और ऐसी बहुत जगह थी. और आयरोनिकली एक तरह मेरे को खुशी हो रही थी कि आज पुरानी राहों से एक योजना मैंने चलाई थी जब सेक्रेटरी कल्चर थी 2018 में, उसमें हमने 1150 साइट आइडेंटिफाई किए थे इसी प्रकार के, जिनमें हमारा टेंजिबल इंटेंजिबल कल्चर है और लोगों को हम कैसे रुझान वहाँ की तरफ करें, ताकि शिमला डीकंजेस्ट हो जाए, धर्मशाला. हमें क्या पता था कि 1 साल बाद कोविड आना है, 2 साल बाद. जब कोविड आया तो जो पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट हम नहीं कर पाए वो कोविड ने कर दी, यानी कि लोग वही जगह ढूंढने लगे. अब वो जगह जब मिल गई, उनको होम स्टेज नए नए खुलने लगे और चीजें होने लगी, लोग इंसान इंसान से भागने लगा प्रकृति की तरफ, पर वही आदतें लेकर गंदगी वहां फैलाने लगे. पर वहां रह रहे कि ये भी समझ आ गया, और जब लोग बंद थे अंदर घरों में और पर्यावरण जो है फल फूल रहा था, ये भी समझ में आ गया कि इंसान ही रिस्पॉन्सिबल है. वही पहले क्वेश्चन का जवाब, 2500 साइंटिस्ट नहीं वो कर पाए जो कोविड ने कर दिखाया, वो सबूत हमारे सामने. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि इन जगहों में भी लोगों की वही आदतों के कारण गंद फैल रहा है, और नालदेहरा हाइट्स भी एक ऐसी जगह है. इसीलिए मैं एडवाइजर बन गई थी अर्थ डे नेटवर्क के लिए, हिमाचल के लिए. तो जब उन्होंने मांगा कि 39 साइट्स में रॉयल एनफील्ड के साथ हम ये अभियान करना चाहते हैं और इसको मैनेज करने की जिम्मेवारी अर्थ डे की थी, और उनकी आउटरीच एशिया पैसिफिक में है, सो जो भी हम करेंगे वो एशिया पैसिफिक में नजर आएगा. सो मोर देन दैट, हमारी कोशिश थी कि इधर के लिए लोगों को बहुत रिजेंटमेंट है, क्या करें. सो रूरल और अर्बन सबको जोड़ के काम करने का एक प्रयास था. उसमें हमारे साथ जो जुड़े हैं वो है इनर व्हील क्लब शिमला का जी. और उसके अलावा हमारे शिमला में जो गार्डन एनवायरमेंट सोसाइटी, ईशा फाउंडेशन से सेव सॉयल वाले वो भी आए थे. एंड वेरी इंपॉर्टेंट वाज आल्सो द फैक्ट दैट वी हैड विस्परिंग ब्रीजेस कोलैबोरेटिंग विद सेंट बीड्स एलुमनाई एसोसिएशन एंड जस्ट नाउ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ दैट. सो लड़कियां वहां आए, सफाई भी करें, इंजॉय भी करें, पर ये सिर्फ गेम नहीं है, ये सर्वाइवल का सवाल है, लाइफस्टाइल का सवाल है. उसको समझाना बहुत जरूरी था. तो हमने माउंटेन पे 5 मतलब कोई हमने 30 वॉलंटियर्स एक्सपेक्ट किए थे, 70 आए. और सबसे अच्छा था कि हमारे वो जो सेल्फी पॉइंट्स हमने बनाए थे, 5 पॉइंट्स बनाए थे, उसमें गांव की लेडीज, महिला मंडल के साथ मीटिंग हुई थी,
हमारी पंचायत ने पार्टिसिपेट किया, वहां के लोकल ढाबों वालों ने पार्टिसिपेट किया और सबने अंताक्षरी भी खेली, वो भी 5 एलिमेंट्स में भूत तत्व अंताक्षरी हमने की थी जी। और यहाँ मैं धन्यवाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, कॉर्पोरेशन का करना चाहूंगी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का। फॉरेस्ट ने जी जान लगा के वो साइट्स आइडेंटिफाई किए कि कहाँ कहाँ गंदगी फैली हुई है। कई जगह तो इतना तीखा माउंटेन था तो हमने कहा प्लीज यहाँ पर लड़कियों को मत चढ़ाना, पर खुद चढ़ चढ़ के उन्होंने उनकी भी मदद की, सिखा दिया कि जब यू नो जहाँ जज्बा हो तो इंसान पहुंच ही जाता है जी। हिमाचल प्रदेश को खूबसूरत बनाने के लिए, हिमाचल प्रदेश को और ज्यादा आकर्षित बनाने के लिए जिला प्रशासन, अगर हम सरकार की बात करें, सभी अब काम कर रही हैं और उनके साथ साथ आपने अभी सुना ही है कि इनके साथ कई एनजीओ भी, कई संस्थाएं भी हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए कदम से कदम मिला रही है, लेकिन इन संस्थाओं के द्वारा किया गया कार्य तभी संभव होगा जब आम जनता के साथ साथ जो बाहर से पर्यटक आते हैं हिमाचल प्रदेश में वो भी अपना सहयोग देंगे। हिमाचल प्रदेश की ये जो खूबसूरती है, हिमाचल प्रदेश को विश्व के मानचित्र पर अगर जाना जाता है तो इसकी ये जो सौंदर्यकरण है यहाँ का, यहाँ का जो प्राकृतिक अनुभूति जिसको हम कहते हैं वो है, तो उसी के द्वारा ही हिमाचल प्रदेश को जाना जाता है, तो इसको बरकरार रखने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। और यहाँ पर बिल्कुल कहना भी चाहेंगे, हम भी कहना चाहेंगे कि गंदगी भी हम लोग ही फैलाते हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम जहां जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के किसी भी कोने में, हम यहां पर जरूर हिमाचल प्रदेश की बात नहीं करेंगे, हम ये भी कहेंगे कि आप देश के किसी भी कोने पर जा रहे हैं, आप अपनी गंदगी अपने साथ ही, यानी कि अगर आपने कहीं कूड़ा फैलाना है या आपके कोई कूड़ा है, करकट है, उसको अपने साथ रखिए, वहां की खूबसूरती को बरकरार रखिए। और बिल्कुल मैम, आपने बहुत सी एनजीओ का यहाँ पर नाम लिया जो कि आपके साथ सहयोग कर रही है। यहाँ नहीं रुकने वाले जी, बिकॉज यू सी एक सेंस ऑफ ओनरशिप जो बिल्ड कर ले कि ये पहाड़ मेरा है, उसका सबूत मुझे अगले दिन ही मिल गया कि हमारे जो ढाबे वाले जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, अच्छे लोग हैं, उन्होंने एकदम मेरे को बोला अगले दिन, मैडम बाहर से लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं, ये हमारा पहाड़ है, हम करेंगे। आई वॉज सो हैप्पी। और फोन एक आया, मैडम मैंने ना अपनी एनवायरमेंट पर PhD करनी है, तो क्या मैं आपके साथ इसका सिनॉप्सिस बना सकती हूँ। इस तरह का रिएक्शन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, पर ये ओनरशिप, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और स्वच्छ भारत में जो कूड़ा करकट है उसकी सेग्रीगेशन हाउस होल्ड लेवल पे बहुत जरूरी, जो सबसे मुश्किल काम है। और वो जरूरी क्यों है, क्योंकि वेट एंड ड्राई वेस्ट में जो वेट वेस्ट है उससे कंपोस्ट बनेगी, अगर अच्छी बनेगी वो तभी जब अलग होगा उसकी भी बिक्री हो सकती है और लाइवलीहुड्स मिलती हैं। सो व्हेन यू सी वेस्ट, व्हाट डू यू सी, आपको न्यूसेंस नजर आती है, मुझे उसमें रॉ मटेरियल नजर आता है। सो ये एक देखने का नजरिया है। सो ये नजरिया हम बदलना चाहते हैं, पर वो उस दिन नहीं हो, मतलब उस दिन तो हमने सिर्फ वेस्ट कलेक्ट किया, इकट्ठा किया और भेजा जी, उसको हमने वजन भी किया, ये भी दिल लिखा कौन से ब्रांड ने फैलाया, अभी हम बताएंगे उसको, रिपोर्ट जाएगी और उन ब्रांड्स का नाम एशिया पैसिफिक में आएगा कि ये वाले ब्रांड्स इंडिया के 39 साइट्स में कलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो शायद वो कंपनियों को भी एक एहसास होगा कि हमें कुछ ना कुछ अपनी बॉटल्स पे और इन चीजों पे, वर्स्ट थिंग इज बॉटल छोड़ जाओ, तोड़ते क्यों, पशु को भी नुकसान होता है, लोग अपने गाय भैंस चराते हैं वहां पर, ये एहसास नहीं है, तभी लोग जुड़े वहां पर, गांव वाले जुड़े, अंताक्षरियां तक खेली पर उनको ये पता चल गया हम सीरियस हैं, और इतने सीरियस हैं कि अब हमने इस अभियान का नाम रखा है वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट, वाओ। सो इट इज गोइंग टू बी अ वाओ फैक्टर जो हमने फ्यूचर में जो करना है, कि यहाँ की जो लर्निंग है, ये एक इवेंट आसानी से नहीं ऑर्गेनाइज हुआ था, इस बार ही सिंगल हैंडेडली हुआ, पर अगली बार आई डोंट थिंक आई कैन डू इट दैट वे, एंड मोर ऑफ अ लर्निंग तब होती है। सो वी आर गोइंग टू ट्राई, सेंबीज एलुमना एसोसिएशन इज गोइंग टू ट्राई कि जिन लड़कियों ने इसमें भागीदारी की, टीचर्स ने की और साथ ही इनर व्हील वालों ने, उन सबको बिठा के वी विल आस्क देम टू मेक अ चेकलिस्ट, एक SOP और एक इवेंट मैनेजमेंट कैसे की जाती है, ताकि आगे वो बिजनेस मैनेजर्स बने या इवेंट मैनेजर घर ही चलाए, दीज आर ऑल वेरी बिग चैलेंजेस, उनको किस तरह एफिशिएंटली करना, सारा दिन भी लगा सकते हो और वही काम आप 2 घंटे में भी कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट। जब हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में अधिकतर जो परिवार है वो किसान का कार्य करते हैं, यानी कि किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, और ऐसे में वो परिवार, उनके पास गाय भी हैं, पशु हैं और भी काफी सारी चीजें हैं। और हिमाचल प्रदेश की जब हम बात करें तो ऐसी जगहों में ही पर्यटन जो है वो स्थल भी है, काफी पर्यटक वहां पर जाते हैं, और जिस तरीके से अभी आपने कहा कि चाहे वो शीशे की कांच की बोतलें हो
या प्लास्टिक के रैपर्स हो, वो वहीं पर फेंक देते हैं और वहाँ पशु है, गाय है, वो उसको खाते हैं। तो नुकसान केवल इंसान को नहीं है बल्कि उन बेजुबान जानवर को भी है जिन्होंने कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, उनके पास जुबान नहीं है, लेकिन फिर भी नुकसान उनको भी इसका पहुंचता है। तो ऐसे में बार बार आग्रह ऐसी संस्थाओं द्वारा किया जाता है कि आप स्वच्छता को जो है वो बरकरार रखें, आप स्वयं जागरूक बने। आप अपनी यहाँ तक सीमित नहीं है, जो सेव द सॉइल कैंपेन सद्गुरु ने चलाया हुआ उसमें सॉइल को भी नुकसान, क्योंकि उसमें यही चीजें मिल जाती है। कितना एफर्ट लगती है कि जिस थैले में आप लाए हो उसी में वापस ले जाओ ना। जैसे एक महिला मंडल की लेडी ने कहा, मैडम हम पोस्टर्स लगाएंगे। मैंने कहा उस पे लिखोगे क्या? बोलती यादें छोड़ जाओ, गंदगी साथ ले जाओ। सो दैट वाज वेरी नाइस। तो हमने उनको कहा है कि अब आप पोस्टर बनाएंगे, रेजोल्यूशन करना चाह रहे हैं हमारी पंचायत के साथ, बागी जब्बर के साथ, कि अगर यहाँ पर फाइन लगाना है किस तरह लगाना है। एक तरह से उनको भी व्यवस्था जो है सरकारी व्यवस्था, रूल्स रेगुलेशन, वो भी समझ में आ रहा। सो देर आर अ लॉट ऑफ लर्निंग्स फ्रॉम द माउंटेन्स। तो वाओ, लर्निंग फ्रॉम द माउंटेन नालदेहरा हाइट्स, दिस इज द नेक्स्ट प्रोग्राम वी आर डूइंग, कि वही बॉटल्स अगर वहाँ सही ढंग से छोड़ी जाए, उनकी मार्केट है। और हिमाचल इज द फर्स्ट स्टेट जिसने ना केवल पॉलिथिन बैन किया पर उसके लिए एक मार्केट क्रिएट की PWD ने, 4 रुपए से खरीद के उस पॉलिथिन को सड़कों में यूज किया जा रहा है। तो हमारी प्लास्टिक रोड्स का अभियान जो है वो कई देशों में चला गया है, नॉट ओनली इन हिमाचल। सो सिर्फ बैन नहीं किया, उस बैन करने से जो रबिश है उसको लोगों के लिए लाइवलीहुड, ड्रैग पिकर्स के लिए एक मार्केट 4 रुपीज अ किलो PWD ने खरीद के बनाई। सड़कें भी अच्छी बन रही हैं, बिटुमेन कम यूज हो रहा है। सो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, अब हमने बॉटल्स के ऊपर कॉस्ट बेनिफिट एक हमने एक्सपर्ट पकड़ा है, तो वो भी जिस दिन हम ये वाओ अभियान करेंगे नेक्स्ट वाला, उसमें ये भी सिखाएंगे। बिल्कुल, वेस्ट मटेरियल्स का भी किस तरीके से हम सदुपयोग कर सकते हैं, रिसाइकल हम उसको कहते हैं। और ऐसे में ये संस्था, चाहे वो प्लास्टिक की बोटल्स हैं, आप अपने घर में दूध की थैलियों का, ब्रेड का काफी इस्तेमाल करते होंगे, और उसको आप अगर धो करके NGO को देंगे तो आप उसका भी सदुपयोग हो सकता बहुत है। बहुत अच्छा याद दिलाया आरती आपने जी। मैं आपके माध्यम से एक अनुरोध करना चाहूंगी कि इनर व्हील पिछले साल से एक व्हाट्सएप के ऊपर अभियान चलाया हुआ है, 2 हमारे लॉट्स चले गए हैं बॉम्बे जी। जो दूध के पैकेट हैं अपने अपने घरों में कृपया उनको वॉश करके, चाहे उल्टा करके सीधा करके ड्राई कर लीजिए। और यहाँ पर आप इनर व्हील के जो रोटरी क्लब में है वहां पर डिपॉजिट कर दीजिए, उनको इकट्ठा करके हम भेज रहे हैं जहां उनकी पैलेटाइजेशन बॉम्बे में हो रही है, और कोई और जगह में हो रही है हम वहां भेजने को तैयार हैं। और जहां ये बॉटल्स हैं इनके अंदर, प्लास्टिक बॉटल्स के अंदर जो भी आपका छोटा छोटा वेस्ट है, ताकि वो फैले ना, क्योंकि जब आप टी बैग भी खोलते हैं ऊपर वाला अलग मत कीजिए प्लीज, वो जो है सबसे ज्यादा डेंजरस है, वो धरती में रह जाता है और 100 साल तक डिग्रेड नहीं होगा। उसको आप एक प्लास्टिक बॉटल में डालते जाइए, उसको प्लास्टिक ब्रिक्स बोलते हैं, उसके टेबल्स तक लोगों ने बनाए। मैं तो ये कर रही हूँ कि अपने घर में जितनी भी छोटी छोटी बॉटल्स हैं एक साइज की लेके, उनको क्यारियों की ईंटे लगाते हैं, हम वो नहीं लगा रहे हैं, हम उन्हीं बॉटल में मट्टी डाल के उसमें पौधे उगा के उन्हीं की एजिंग कर रहे हैं। इसी तरह पानी का ये जो वेस्ट अंदर जाता है, वेस्ट वाटर, देन इट स्पॉइल्स योर ग्राउंड वाटर, उसको भी खराब करता है, पशु खाते हैं और उनके, तो आप सोचिए कि जो दूध हम ले रहे हैं गाय से उसमें भी कंटामिनेशन, जो फिश खा रहे हैं उसमें भी कंटामिनेशन है, करने वाले कौन? हम। सो इसलिए ये करने के बजाय 3 उंगलियां वापस आ रही हैं। बिल्कुल, करने वाले हम, तो इसलिए जागरूक भी किसे होना है, हमें जागरूक होना है, हम आप सभी को जागरूक होना है अपने पर्यावरण के प्रति। क्योंकि देखिए, हम रहते जहां हैं, हम अपने पर्यावरण, अपने आसपास के माहौल में जहां पर हम रह रहे हैं, अगर हम वही स्वस्थ नहीं रखेंगे, हम वही स्वच्छ नहीं रखेंगे, तो हम कैसे स्वस्थ रहेंगे। और देखिए, एक बड़ी बात यहां से जरूर कहना चाहूंगी कि जब हम अपने आसपास के परिवेश को स्वच्छ रखेंगे तभी हम अपने क्षेत्र को स्वच्छ कर पाएंगे, और जब क्षेत्र को स्वच्छ कर पाएंगे तभी हम अपने जिले को, अपने पंचायत को स्वच्छ कर पाएंगे, और जब जिले को स्वच्छ कर पाएंगे तो हम अपने प्रदेश को, अपने राज्य को स्वच्छ कर पाएंगे, और जब हम राज्य को स्वच्छ करेंगे तो वैसे ही हम अपने पूरे देश को स्वच्छ रखेंगे। एक बड़ा संदेश हम लोग देंगे, लेकिन वो संदेश शुरू कहाँ से होगा?
हमसे एवरीथिंग द चेंज स्टार्ट्स विद मी. एंड ये कई बार लोग सोचते हैं कि मैं अकेला क्या कर सकूं. अकेले नहीं है, ऐसे बहुत लोग सोचने में मैं अकेला. सो अकेले लोग प्लीज कनेक्ट द डॉट्स, बिकॉज हमने किया. मेरे गांव वाले बच्चों ने जिनको मैं पढ़ाती हूँ, क्या कमाल का काम किया रजिस्ट्रेशन का. उस दिन 10 मिनट में एक्सप्लेन किया था एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम. पेड़ लगाए, हम सब ने मिल के पेड़ लगाए थैंक्स टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. पर उस वक्त ज्यादा नहीं लगाए, अब मानसून आएगा क्योंकि वो भी एक रिसोर्स है, समय भी रिसोर्स है. रिसोर्स की प्रॉपर यूटिलाइजेशन हम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आप अपनी इंडिविजुअल गाड़ियों में जाते हैं, कृपया बस का इस्तेमाल कीजिए. यू नो देयर आर सो मेनी थिंग्स वी कैन डू. पर हाँ, उसके लिए आपको अंदर से आवाज आनी जरूरी है. जो अंदर है वही बाहर दिखता है. पर्यावरण भी इज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट वी डू. सो वो हमें इफेक्ट करता है, हम उसको करते हैं. सो ये इंटरडिपेंडेंस ऑफ फिनोमेना अगर समझ में आ जाए तो ओनरशिप फटाफट हो जाएगी और उसको जिस चीज को हम वैल्यू करते हैं उसको हम बचाते हैं. द क्वेश्चन दैट अराइजेस, डू वी वैल्यू आवर एनवायरनमेंट, इट सस्टेन्स अस. और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का भी हमने वहां बात की, ब्लैक कार्ड उठाए. उसका सबसे इम्पोर्टेंट लोगो ये है, लीविंग नो वन बिहाइंड. सो सबको साथ लेके चले और ये प्रयास करते रहें. इसीलिए अनुरोध है कि हमारे साथ जुड़िए, नॉट फॉर एनी अदर रीजन, नॉट फॉर हेडलाइन, नॉट फॉर ऑप्टिक्स, बट टू सेव द प्लैनेट फॉर आवरसेल्व्स एंड फॉर द फ्यूचर जनरेशन. जी बिल्कुल, सबके साथ चलें, सबके साथ सहयोग भी करें, लेकिन शुरुआत मैं से करें, ये हम यहाँ पर जरूर कहना चाहेंगे, क्योंकि हर एक की शुरुआत मैं से होती है. मैं बदलूंगा, मैं करूंगा, तभी मेरे साथ हम करेंगे. तो अपने पर्यावरण कि साफ सफाई, अपने आसपास की साफ सफाई मैं से शुरू करें, और फिर उसके बाद मुझे लगता है कि सभी आपके साथ जुड़ते चलेंगे और कारवा यूं ही बनता चलेगा. और मुझे लगता है ऐसे में ही हमारा देश जो है वो स्वच्छ रहेगा. मात्र एक तरह से मीडिया में आने के लिए या फोटोज खिंचवाने के लिए, क्योंकि हमने कई मर्तबा ऐसा भी देखा है डॉक्टर पूर्णिमा जी, चाहे वो मंत्री हों, विधायक हों, वो मात्र फोटो खिंचवाने के लिए झाड़ू उठा देते हैं. और ऐसी जगह झाड़ू उठाया जाता है जहां आवश्यकता नहीं होती, केवल मात्र मीडिया में आने के लिए. तो ऐसी चीजें ना करके अगर हम वास्तविकता से, जमीनी स्तर से, कि जहां पर आवश्यकता है वहीं पर ही हम इस तरीके की साफ सफाई अभियान चलाएं, तो मुझे लगता है कि ज्यादा जो है वो अच्छा रहेगा. और आपसे भी हम यहीं पर एक चीज और है कि मैं जानती हूँ, ऐसे लोगों से भी वाकिफ हूँ जो इस प्रकार का अभियान कई सालों से चला चुके हैं, कर रहे हैं. और मैं ये कहूंगी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल शायद चेंज को टाइम लगेगा. सो लेट अस क्रिएट दोज लिटिल ऑर्गेनाइजेशंस अराउंड अस, ताकि जुड़े तो ग्रुप्स जुड़े, नेटवर्क्स जुड़े, और ये जो चेंज की स्पीड है वो अरिथमेटिक ना हो, ज्योमेट्रिक हो, यू नो. एंड वी कैन मेक द चेंज हैपन वेरी क्विकली. हमें अभी टाइम ज्यादा नहीं बचा है, आई एम नॉट जोकिंग. दैट इज वाई जब जो एनवायरमेंटलिस्ट है वो हैरान है कि लोगों में अभी भी ऐसे लगता है बिजनेस एज यूजुअल, नथिंग इज गोइंग टू चेंज. नो आई एम सॉरी, थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट, वेरी रैपिड. जी डॉक्टर पूर्णिमा जी, हम ये भी देखते हैं, ये तो हमने सफाई अभियान की बात करी, लेकिन कई एनजीओ हमने ऐसी भी देखी है जो एक दिन में लक्ष्य निर्धारित करती हैं कि हमने पूरे देश में 1 करोड़ पौधा लगाना है या 1 लाख पौधा लगाना है. मेरा यहाँ पर जरूर आपसे भी आग्रह रहेगा, एक तो ये आग्रह कि ये जो हमने कहा कि केवल सफाई जो है वो मात्र मीडिया में आने के लिए ना करें, और ये केवल आंकड़ों के साथ पौधरोपण ना करें. आपने पौधरोपण किया, आपने लाख पौधे उगाए, आपने कहा कि आज हमने लक्ष्य निर्धारित किया है पूरे देश में 1 लाख पौधे उगाए जाएंगे, लेकिन 10 साल बाद वो क्या 1 लाख पौधे उगकर आए हैं, नहीं आए. पर इसमें इसे दो चीजें याद आई. एक जयचंद लड़का यहाँ है जिसको अतिथि ने अवार्ड भी किया लास्ट ईयर. उस लड़के ने, सिरमौर में, राजगढ़ में है, बहुत सिंपल लड़का, आई स्पोकन टू हिम, उसको अतिथि अवार्ड दिलवाया. उसने 1,000 से ऊपर प्लांट्स खुद लगाए पेड़. अब उसने प्रॉमिस किया 5,000. कहाँ से लाता है वो ये जज्बा. इसी तरह स्वीडन में मैं इंटर्नशिप पे गई थी, काफी दूर जहाँ नॉर्वे है उसके पास, एक लेडी ने हमें ब्रेकफास्ट पे बुलाया. उसके बच्चे भी स्कूल नहीं गए कि हमने इंडियंस को देखना है. सो उसने बताया, बड़ी प्राउडली बता रही थी कि जब समर होती है तो जो अल्पाइन मेडोज में अपने वो घोड़ों को भी ले जाती है, बच्चे भी चले जाते हैं वहां, ना बिजली ना पानी, कुएं से पानी निकालते हैं. उस औरत ने, अकेली ने,
1 million ट्रीज लगाए हैं, जबकि उस इलाके में सिर्फ उसी का घर नजर आ रहा था, पेड़ ही थे, बहुत खूबसूरत था, पानी इतना साफ था कि आपको पता था कि ये पानी जो है इट इज लाइक अमृत। उस जगह में भी 1 million ट्रीज उसने प्लांट किए हैं। विश्व ये इसी धरती पे, इसी प्लैनेट पे ऐसे लोग भी हैं और ऐसी जगहें भी हैं। केवल हम क्यों ऐसे समझते कि हमने धरती से सिर्फ लेना है, पर्यावरण से सिर्फ लेना है, देने की जिम्मेवारी नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट टुडे, वी डोंट हैव टू वेट फॉर टुमारो, लेट्स स्टार्ट टुडे। कुछ भी करें आप, पानी बचाएं, आप फ्लश का कम इस्तेमाल करें, ऑल देयर आर सो मेनी थिंग्स वी कैन डू, एंड लेट्स गेट इनटू अ डायलॉग, टॉक टू योर नेबर एंड लेट्स। और इसका असेसमेंट रोज जैसे बजट करते ना, उसी तरह बजट करें कि आज मैंने कितनी बिजली, पानी, पार्किंग और चीज़ें इस्तेमाल की, कैन वी रिड्यूस इट। ये सोच अगर हो जाएगी तो आपकी सोच आपको आंसर्स देगी। बी अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, नॉट अ पार्ट ऑफ, आई मीन बी अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, नॉट ऑफ द प्रॉब्लम। जी, तो बिल्कुल, हम भी यहाँ जरूर कहना चाहेंगे आपसे कि आप भी पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अपना सहयोग अवश्य दें। मैं से इसकी शुरुआत करें, और अभी जो हमने इन्होंने हमें जानकारी दी है कि अभी नव निर्मित ही इनकी एनजीओ है, लेकिन सोच बहुत ज़्यादा बेहतर है, लेकिन उस सोच को बेहतर आप सभी के सहयोग के साथ ही ये लोग बनाएंगे। और उसके लिए आपको भी जो है वो पर्यावरण को किस तरीके से सुरक्षित रखा जा सकता है, आप अपना योगदान किस तरीके से दे सकते हैं, चाहे वो गाड़ी की बात हो, पोल्यूशन उससे भी निकलता है, आप किस तरीके से, क्योंकि एक घर में अक्सर देखा गया है अब आज के समय में कि हर एक परिवार के सदस्य के पास अपनी अपनी गाड़ी है। Yes. तो अपनी अपनी गाड़ी आपके पास है, आपके परिवार में चार लोग हैं, चारों अपनी अपनी गाड़ियां चला रहे हैं, तो पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, पेट्रोल महंगा होने के बाद भी। जी हा? ठीक वैसे, so let us be vocal for local. जी, लोकल सोल्यूशन बहुत है। छोटे डिस्टेंस के लिए बस क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? मैं करने जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड ने ऑलरेडी कर लिया, वी आर गोइंग टू डू इट। सो लेट अस होप दैट मोर पीपल जॉइन, एंड देयर आर मेनी पीपल डूइंग वर्क, प्लीज शेयर योर आइडियाज विद अस, वी लव टू अडॉप्ट देम। जी, उसके साथ ही हमने कहा है कि पानी को भी आप बचा सकते हैं। आप ब्रश कर रहे हैं, आपका नलका खुला है, और जब तक आप ब्रश कर रहे हैं तब तक वो पानी लीक हो रहा है, तो उस चीज़ को भी आप बचा सकते हैं। आप अपनी गाड़ी वॉश कर रहे हैं, गाड़ी में आप साबुन लगा रहे हैं, लेकिन तब तक जो है वो कहीं ना कहीं आपने नलका फिर खुला छोड़ा हुआ है, क्योंकि आने वाले 10 वर्षों में अगर इसी तरीके का माहौल रहा तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा भयंकर हो सकती है। ऐसा ना हो कि पानी के लिए हम लोगों को भी रोना पड़े और रेगिस्तान जैसा माहौल हो जाए। आपको कोस कोस की दूरी में, अभी तो हम ऐसा बोलते हैं कि कोस कोस की दूरी में, हिमाचल प्रदेश की अगर धरती की बात करें तो पानी जो है वो धरती से निकल रहा और साफ स्वच्छ पानी जो है वो होता है, लेकिन ऐसा ना हो कि आने वाले समय में हमें बूंद बूंद के लिए। जी मैम, जरूर। जिसको मेरे को हॉरिफाइंग लगा, और ये 5 जून से पहले ही मैंने पढ़ा था। डू यू नो, आजकल आप ट्रेडिंग किस में करते हैं? स्टॉक्स एंड शेयर्स में करते हैं ना? जी, ठीक है, आप ज्वेलरी में करेंगे और चीजों में। डू यू नो किस चीज पे ट्रेडिंग हो रही है? वाटर। डू यू नो वाटर इज बीइंग ट्रेडेड? गवर्नमेंट्स हैव फॉलन ऑन दिस। इन वन कंट्री इट वाज ट्रेडेड, इट फेल्ड बिकॉज उसकी कीमत इतनी ज्यादा थी। शिमला का पानी, one of the most expensive waters in India. It's over 100 rupees a kiloliter. The cost of supply from source to your tap. और आप कितना देते हैं? मेरे ख्याल में 8 रुपए से लेके 27-28 रुपए तक। बाकी का कहाँ से आता है? बाकी का जो पैसा है वो कहाँ से पूरा होता है? क्या हमें कंजर्व करना चाहिए या नहीं, ये सवाल आप अपने आप से कीजिए। इसीलिए हमारे घर में पानी ना कंजर्व करना इज अ सिन, इससे बड़ा पाप नहीं है। और इसीलिए कि जो हम कंजर्व करते हैं, हमें नहीं मालूम उसका फायदा किसको हो रहा है, पर हमारी कंजम्पशन कम हो रही है, इसमें बिलिंग का कोई चक्कर नहीं, पर हमारा बचाया हुआ किसी और को मिल जाएगा। जी डॉक्टर पूर्णिमा जी, अगर हम पिछले 50 वर्षों का इतिहास देखें तो लोग जो हैं वो उस समय सप्लाई नहीं होती थी, पाइपलाइंस नहीं होती थी, बचता था, लेकिन पानी जो है वो नेचुरल होता था, और उस पानी का इस्तेमाल लोग पीने के लिए करते थे। और आज भी कई ऐसे चश्मे हैं जहां पर लोग जाते हैं कि यहाँ पर जाने से, इसका पानी पीने से कई रोग जो है वो हट जाते हैं, धुल जाते हैं। लेकिन आज हम ये व्यवस्था देख रहे हैं कि जगह जगह वो जो पानी की बौड़ियां बनी होती थी वहां पर
एमसी के बोर्ड उन्होंने जो है वो सूचना पत्र लगा दिए हैं कि ये पानी पीने योग्य नहीं है। जिस पानी को हमारी पीढ़ी जो है वो पीती आई थी, अगर हम पुरानी पीढ़ियों की बात करें तो उसी उसी को वो पीती थी, उसी से ही, और मुझे लगता है कि वो ज्यादा तंदुरुस्त होती थी, वो ज्यादा जो है वो स्वस्थ होती थी। लेकिन आज हम उसी पानी को हम नहीं पी सकते बिकॉज ऑफ हमारी बॉडियां कूल खातरीज, ये सब ना एक रोमांस बन गया अब सिर्फ। इट इज गोइंग टू बी इन अ म्यूजियम। बिल्कुल, हम लोग हैडपंप का पानी, हम सोचते थे वो बहुत ज्यादा जो है हैडपंप का पानी पीने से वो भी स्वच्छ होता है पानी, लेकिन आज हम वो पानी भी नहीं पी सकते हैं। तो आने वाले समय में मुझे तो लगता है कि शायद ये बोतलें जो आज हम स्टूडियो में भी आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर रखी हैं, आने वाले समय में शायद इसी से ही गुजारा ना करने पड़े। इसी से एक रिक्वेस्ट करूं, इस ढक्कन से थोड़े ही बड़े ग्लासेस हैं, हमारे घर आएंगे तो प्लीज माइंड मत करना, हम इतने से ग्लास में पानी देते हैं। मैंने स्पेशली ग्लास खरीदे हैं, वो इसलिए वो छोटे छोटे जो लिक्योर के लिए यूज होते हैं, मैंने कहा सब पानी पीते ही नहीं है, इतना दो तो हमने वेस्ट नहीं करना, जिसको चाहिए दोबारा मांगे। बिल्कुल, तो हमारे घर में आपको इतना ही पानी मिलेगा एक टाइम पे। ये मुझे लगता है कि ये सबको ही इस तरीके से सहयोग देना चाहिए, जिस तरीके से डॉक्टर पूर्णिमा जी कह ही रही हैं कि मैंने घर पर वेस्ट जो बोतल है उनके लिए भी अलग से स्थान सुनिश्चित किया है कि उसमें मैं किस तरीके से, यहाँ तक कि जब हमने पहाड़ पे ये 5 ग्रुप्स बनाए, उनके हाथों में लिखा कि आप ग्रुप 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, हमने एक और काम किया जो मैं बल्कि बताना भूल गई, उनको बोला आपने अपने बोतल लाना पर उस पे मार्कर पेन से अपना नाम लिख देना। हमने कैनिया रखी थी वहां कि हम उसी बोतल को रिफिल करेंगे, आपको कोई बोतल नहीं देंगे, आपको प्यास लगेगी आई एम सॉरी कैनी से रिफिल कर लो अगर आपकी बोतल में नाम लिखा है। अक्सर देखा गया मीटिंग्स में, फंक्शंस में, शादी ब्याह में बोतल आदि पी और फेंक दिया। अरे पापा, पानी के साथ साथ प्लास्टिक, कितना कितने पाप करोगे। सो दिस इज समथिंग, ये अपने दिल से आवाज निकलनी जरूरी है, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है एक बेहतरीन सोच आपकी यहाँ पर है, क्योंकि अगर इस तरीके की सोच हम आप सभी की हो जाए तो शायद हो सकता है ये जो हम 10 साल बाद का सपना देख रहे हैं कि कहीं ऐसा हो, तो ऐसा नहीं होगा अगर हम आप सभी आज से ये शपथ ले लें कि हमें जो है पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी कुछ प्रतिशत, चाहे वो आप 1% ही निभाओ, अगर आप 1% भी आज की हमारी इस बातचीत से, मुझे लगता है कि एक इंसान को भी कुछ समझ, फीडबैक प्लेस जहां फीदबैक लोग दे सकते हैं, कैन वी हैव दैट? जी बिल्कुल मैम, इसी इफ आई कैन शेयर माय नंबर एज वेल एज माय ईमेल आईडी। जी, माय फोन नंबर इज 7018447033 और ईमेल आईडी है डॉक्टर पूर्णिमा चौहान DRPURNIMACHAUHAN@gmail.com एंड इफ यू हैव एनी अदर नंबर यू कैन ऑल्सो शेयर विद देम, बिकॉज आई वुड लाइक दैट हमें फीडबैक से वी फील एनरिच्ड, हमें ऐसे लगता है कि आपकी भागीदारी है जी, और उसके बिना हम एक कदम नहीं चल सकते। तो बिल्कुल डॉक्टर पूर्णिमा चौहान जी, आज आप हमारे इस स्टूडियो में आए और एक तरह से बहुत ही उम्दा जानकारी, जिसको हम कहेंगे बहुत ही बेहतरीन जानकारी और बहुत ही अच्छी अच्छी बातों के साथ आपने हमें, हमारे दर्शकों को दी, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, अगर इसमें से एक अंश भी आप अपना सके और हमारे साथ शेयर कर सके। जी, तो यहाँ पर डॉक्टर पूर्णिमा चौहान जी हमारे साथ यहाँ मौजूद थे, और IAS अधिकारी रिटायर्ड ही रही हैं और कई विभागों के साथ इन्होंने काम किया है, और हजारों व्यक्तियों के साथ काम करने के बाद एक ऐसी सोच इनके जहन में पनपी कि क्यों ना पर्यावरण के लिए कुछ किया जाए, जहां हम रह रहे हैं, जहां हम सांस ले रहे हैं, जहां हम उठ रहे हैं, जहां हम बैठ रहे हैं, जहां हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो उस पर्यावरण को क्यों ना संरक्षित किया जाए, क्यों ना उसका संरक्षण किया जाए, क्यों ना उसको सुरक्षित किया जाए। तो मैं से इन्होंने शुरुआत अभी फिलहाल की है, लेकिन सहयोग आप सभी का मांगा है, और आज हम भी सिरी चैनल के माध्यम से आपसे यही अपील करेंगे कि जो सहयोग इन्होंने मांगा है उस सहयोग को आप भी दें, अपनी जिम्मेदारी को समझें और कलेक्टिवली हील द अर्थ। और जी, और जहां आप रह रहे हैं पहले मैं से शुरुआत करें, अपने परिवार से शुरुआत करें, फिर अपने रिश्तेदारों से शुरुआत करें, अपने पड़ोस से शुरुआत करें, और देखिए
कामयाब आप जरूर होंगे और हमारा पर्यावरण जो है वो सुरक्षित रहेगा। फिलहाल आज की इस खास मुलाकात में इतना ही। आप जुड़े रहिए श्री चैनल के साथ। नमस्कार।